अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसराइली अरब और मुसलमान न्यूज एंकर लूसी हरीश और यहूदी अदाकार तसाई हालवी की शादी पर इसराइली सियासतदानों की जानिब से शदीद मुखालफत सामने आई है, जबकि इसराइली वजीर दाखला ने इस शादी को यहूदी नस्ल की हिफाजत के लिए खतरा तक करार दे दिया। हारिथिस की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली अरब न्यूज एंकर लूसी हरीश इब्रानी जबान पर उबूर रखती हैं और उन्होंने बुध 10 अक्टूबर को यहूदी अदाकार तसाई हालवी से शादी की थी। लूसी हरीश इसराइली टेलीविजन पर इब्रानी जबान में बतौर एंकर मुलाजमत करने वाली पहली अरब खातून हैं, जबकि तसाई हालवी ने नेटफ्लिक्स के ड्रामे फाउदा में एक खुफिया एजेंट के किरदार से शोहरत हासिल की थी। एक मुसलमान एंकर और यहूदी अदाकार की शादी की खबर मंजर आम पर आने के बाद से इसराइली सियासत में हलचल मच गई और इनकी शादी पर मुतजाद रवैयों का रद्द अमल सामने आया। उन्होंने हदीरा के जुनूब मगरबी इलाके एलकी रेंज में निजी तकरीब में शादी की, क्योंकि इसराइल में मुख्तलिफ मजाहिब से ताल्लुक रखने वाले अफराद कानूनी तौर पर शादी नहीं कर सकते। यरूशलम रिपोर्ट के मुताबिक दोनों के दरमियान गुज़िश्ता 4 साल से ताल्लुकात कायम थे। इसराइल के वजीर दाखला अरिया दरी ने आर्मी रेडियो पर कहा कि यह इन दोनों का ज़ाती मामला है, लेकिन एक यहूदी के तौर पर मुझसे ये सवाल पूछा जाए तो मैं ये कहूँगा कि मैं ऐसी चीज़ों के खिलाफ हूँ, क्योंकि हमें यहूदी नस्ल की हिफाजत करनी है जिसे हमने हजारों सालों से महफूज रखा है। लूसी हरीश अपना मजहब तब्दील कर सकती हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इनके बच्चे बड़े होंगे, स्कूल जाएंगे और बाद में शादी के वक्त इन्हें मुश्किलात का सामना होगा। इसराइली कानून साज ओरियन हाजान ने इसराइली अरब न्यूज़ एंकर को यहूदी अदाकार से शादी करने पर तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने ट्वीट किया कि मैं लूसी हरीश को हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाने और यहूदी नस्लों को यहूदियत से दूर रखने के मकसद से एक यहूदी को वरगलाने का इल्ज़ाम आयद नहीं करता, बल्कि इसके बरक्स मैं इनका मजहब तब्दील करने पर खैर मकदम करूँगा। उन्होंने कहा कि मैं तसाई हालवी को इस चीज़ का जिम्मेदार करार देता हूँ और कहा कि पागल मत बनो लूसी हरीश, ये ज़ाती नहीं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि तसाई मेरे भाई हैं और मैं बाकी यहूदी अफराद मेरे हैं, इसलिए इस सब को ख़त्म करें। ज़ायोनिस्ट यूनियन के रुकन शेली ने नौ बेहता जोड़े को मुबारकबाद दी और हाजान का मुआवजना हैरी पॉटर के डेथ एक्टर से किया, जिसे जादूगरों में सिर्फ खालिस खून की तलाश होती है। यूएल हसन ज़ायोनिस्ट यूनियन कानून साज का कहना था कि हाजान एक नस्ल परस्त तारीख और शर्मनाक चेहरे को जाहिर करते हैं जिसे मजीद नहीं देखा जा सकता। यरूशलम पोस्ट की एक और रिपोर्ट के मुताबिक मूसीकार एदान राइचल, जिनकी शादी गैर इब्रानी ऑस्ट्रिया कौमियत से ताल्लुक़ रखने वाली दमारिस देवबिल से हुई थी, इसने इस मौजू पर जज्बात का इजहार करने के लिए फेसबुक का सहारा लिया और हाजान के ट्वीट की तस्वीर भी पोस्ट की। एदान राइचल ने लिखा
کہ ایک مرتبہ معروف شخصیت نے ٹی وی پر کہا کہ میں نے اپنی زندگی دمارس کے ساتھ گزارنے کا غلط فیصلہ کیا، کیونکہ میری بیٹیاں اس وقت تک یہودی نہیں جب تک وہ یہودیت کو نہیں اپناتی۔ دمارس نے مجھ سے بہت اچھی بات کہی تھی کہ ایدان رائچل، آپ جانتے ہیں کہ اگر میں مشہور ہوتی اور میں آسٹریا میں مقیم ہوتی اور ٹی وی شو میں بیٹھ کر کوئی شخص ایسی بات کرتا کہ ایک یہودی سے شادی کرنا بیکار تھا، تو وہ پریزنٹر اور ایڈیٹر سمیت اس سے وابستہ ہر شخص کو ملازمت سے ہٹا دیتے۔ لیکن یہاں اسرائیل میں لوگ ایسی باتیں کہنے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔